व्यूअर्स, आज के लिए आपका लेटेस्ट अपडेट है आपकी आंखों के स्वास्थ्य के बारे में जो आया है दिल्ली एम्स से। आप जानते होंगे कि दिल्ली एम्स में एक आई डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डॉक्टर आरपी सेंटर, ये डिपार्टमेंट का नाम है। और वहाँ के जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर राजेश सिन्हा, उन्होंने कल ये इन्फॉर्मेशन सभी को दी है जो कि मीडिया में भी कल आई थी, और कि जो लोग इस प्रेजेंट पोजिशन की वजह से जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर पर बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ आंखों में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और ऐसे बच्चे और ऐसे पेरेंट्स वहां पर हॉस्पिटल में बहुत सारे आए हैं जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरीके की कंप्लेंट्स की। उसमें ध्यान देने की बात यह है कि जिसमें डॉक्टर साहब ने खुद बताया है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं उससे आंखों की जो डिस्टेंस है वो 33 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और ये दूरी जो है ऑलमोस्ट जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट हाथ में ले रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो या फिर अगर हमने लैपटॉप रख रखा है, तो वो डिस्टेंस कम हो जा रही है। इसमें ध्यान देने की बात यहाँ पर ये भी है कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें जो बच्चे हैं अगर वो हाथ में लेकर अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे तो ये डिस्टेंस 33 सेंटीमीटर से ऑलरेडी कम हो ही जाएगा, क्योंकि बच्चे इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब बच्चे अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो वो किसी ऑब्जेक्ट पर, टेबल पर या कहीं मोबाइल रख के तब अपनी क्लास को अटेंड करें। जो आइडियल डिस्टेंस होता है उसके बारे में तो मैं आपको बता ही दूं कि वो होता है हमारा 38 सेंटीमीटर से लेके 63 सेंटीमीटर के बीच। लेकिन इस डिस्टेंस को कौन मेंटेन रख पाता है, सभी लोग भूल जाते हैं और इस डिस्टेंस को मेंटेन नहीं रखते। लेकिन फिर भी जब ये खबर कल आई है तो इसके लिए आपको भी थोड़ा सा सचेत होना चाहिए कि आज अगर आँखों में हमारे प्रॉब्लम नहीं है तो आने वाले फ्यूचर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए चाहे बच्चे घर में स्टडी कर रहे हैं उन पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, और अगर हम खुद कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो उस पे भी हमें अपने डिस्टेंस को मेंटेन करने की जरूरत है। दूसरी बात ये भी है कि जो हम एक मिनट में जो आंखें झपकाते हैं, जिससे कि एक लिपिड लेयर हमारी आंखों पर बनती है जो कि एक लुब्रिकेंट आंखों को देती है स्मूथनेस के लिए, और आंखों की जो ऊपर की झिल्ली होती है उसको भी हेल्दी रखती है, उसके लिए ज़रूरी यह है कि एक मिनट में 10 से 12 बार आपको आंखें भी झपकानी है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को बहुत गहनता से देखते हैं तो शायद हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें आंखों को भी झपकाना है। एक बात मैं आपको और भी बता दूं जो इस न्यूज़ में है कि जो लोग अपनी आंखों को एक मिनट में 5 से 7 बार ही झपकाते हैं तो उसमें आगे चल के आँखों में ड्राइनेस की समस्या आ सकती है। तो ये भी ध्यान रखें कि आँखों को एक मिनट में कई बार झपकाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एक लिपिड लेयर हमारी आँखों पर बनी रहे। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, उसकी ब्राइटनेस को भी नॉर्मल सेट करें अपने रूम लाइट के अकॉर्डिंग। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो कल लेटेस्ट अपडेट आया था, मीडिया में भी ये आया, तो मुझे लगा कि आपको सबको बताना चाहिए और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट ज़रूर मुझे भेजें। और अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।